नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। राजधानी भोपाल में सुसाइड केस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आए दिन भोपाल के विभिन्न थानों में सुसाइड के मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक ताजा मामला राजधानी के अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र से सामने आया है, जहां भीमनगर निवासी एक 18 साल की लड़की ने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन शैली को समाप्त कर लिया। इस मामले में अरेरा हिल्स थाना प्रभारी ने बताया कि पुलिस को कल सूचना प्राप्त हुई थी कि भीमनगर निवासी राखी पिता बलराम के द्वारा घर में फांसी लगाई गई है और अभी फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। परिवारजनों के बयान होने के बाद ही इस मामले में कुछ भी कहा जा सकेगा। पुलिस ने मामला पंजीबद्ध कर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को शव सौंप दिया है। मामले की जांच की जा रही है। भोपाल से न्यूज 69 के लिए आदिल खान की रिपोर्ट। 18 साल की बच्ची का सुसाइड का मामला क्या है? कल भीमनगर इलाके में हरी बाजार के पास राखी पिता बलराम कोरकू द्वारा फांसी लगाकर आत्महत्या करने का प्रकरण सामने आया। इसमें प्राथमिक तौर पर मर्डर कायम करके इसकी जांच जारी है और जैसी भी जानकारी होगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। क्या कारण है जो अभी कारण इसमें सामने नहीं आया है। परिजनों के बयान होने हैं। इसमें परिजनों का कहना है कि बच्ची का मूड ऐसा था नहीं, उनको अभी जानकारी नहीं है। बाकी जो है जांच में सामने आएगा, बयानों के आधार पर जो भी फंसाएगी तो इस कारण स्पष्ट हो पाएगा। नहीं नहीं, अभी किसी प्रकार का कोई सुसाइड प्राप्त नहीं हुआ है। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए न्यूज 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।